द्वारा आर्टिस्ट साहिल लहरी के साथ राम मंदिर की आकृति उभारी गई। प्रतिकृति बनाने के लिए दो दिन तक कार्यकर्ताओं ने तैयारी की। दिए जलाने में 100 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया। 30 मिनट में दिए जलकर तैयार हुए। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में इंदौर विधायक मालिनी गौड़ के साथ एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। अनूठा आयोजन किया गया जिसमें 21,000 दीपों से अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की आकृति बनाई गई। मंदिर दीपोत्सव कार्यक्रम में विधायक मालिनी गौड़ एवं एबीवीपी की क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर के खासा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं द्वारा आर्टिस्ट साहिल लहरी के साथ राम मंदिर की आकृति बनवाई गई। पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन के कार्य को पूर्ण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निर्धारित समय अवधि में दीपकों को प्रज्वलित कर राम मंदिर की ऐतिहासिक छवि प्रस्तुत की। दीपक से ही जय श्री राम भी लिखा गया तथा इसके लिए गौरव की गर्व की बात है। 500 वर्ष पुराना जो हमारे राम मंदिर का मुद्दा चला आ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को पूर्ण किया गया, इसका भूमि पूजन किया गया और राम मंदिर का कार्य शुरू हो गया। उसी की प्रतिकृति दियो से विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बहुत सुंदर 21,000 दियो से राम मंदिर का निर्मित किया, राम मंदिर की प्रतिकृति निर्मित की है। तो मैं सभी विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। 21,000 दियों से एक राम मंदिर और जय श्री राम का लिखकर एक आकृति बनाई गई है। हमारे जो विद्यार्थी परिषद के जो आर्टिस्ट है साहिल लहरी जी और उनकी टीम, उन लोगों ने इस काम को किया है और अभी हमने इसी जो हमारे अंदर जो भी सामग्री लगी, दिए लगे हैं, दीपक लगे हैं, बत्ती लगे हैं, तेल लगा है, सभी चीज़ें हमने घर घर जाकर कलेक्ट की है। ये सब संग्रह किया गया हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारे लगभग 100 कार्यकर्ता इस काम में लगे थे जिन्होंने संघर्ष करके घर घर जाकर तेल कलेक्ट किया, किसी ने बत्ती कलेक्ट की, किसी ने दिए कलेक्ट किए, ऐसे इस प्रकार से हमने कार्यक्रम किया है। हमारे कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भी हैं, माननीय महापौर मालिनी गौड़ जी भी आने वाली हैं, अभी सब लोग उपस्थित।